वाहेगुरु जी मेहर करन। और मैं तुसी कहोगे मैं सोची नहीं सी हुई कि मेरे नाल ऑल ऑफ सडन एनी क्विक ऐदा होगा। मैंने जिस दिन कॉल आया सब तो पहले एक्साइटेड तो मैं यह कि क्षितिज भाजी मूवी कर रहे हैं, क्योंकि मैं मैनू अज भी याद है जब मैं स्कूल सीगा तो मैं पर कल परसों भाई ने एक गल दसी भाई ने एक फिल्म की सी हरभजन मान सर की, वो मैं कल्ला देख के आया सी थिएटर नहीं नहीं मतलब मैं मेरे नाल कोई नहीं सी, क्योंकि मैं उस फिल्म मैनू चांस मिले सी उस फिल्म की प्रमोशन से कितने गाने का वह नहीं होंगे नवे नवे जवाक में चांस मिलता तो वो इमोशनली कनैक्ट हो जाता। मैं कल्ले ने अपनी बाइक चक्की तो फिल्म से और दूजी चीज़ मैं गुरनाम भाजी बारे दसदा मेरे मम्मी को बहुत वधिया लगते हैं कई बार जिमें मैं हूँ कल उन्होंने ट्रेलर देखा कहें तू बाल कितना दे कितने उन्होंने देख कि मुंडा वॉज वेरी हैप्पी। और वाहगुरु भाग लवे साड़ी सारे की मेहनत में। थैंक यू सारे सत श्रीकाल जी मेरे वालों। थैंक यू जी बेसिकली सारा का तह दिलो धन्यवाद है थोड़े इतने पहुँचने का जी, तो जिनी सा स्टार कास्ट आ इन्हों का सारे का तह दिलो धन्यवाद तो जी आया तो इन्होंने बड़ी मेहनत सारा बड़ी मेहनत ना एक नवा कंसैप्ट लेके आया तो होपफुली कि सारे बहुत वधिया लगेगा सारे कट्ठे करने वाले थोड़े नाल सानू बुलाने वाले सानू आपस कट्ठे करने वाले रवि भाजी नाल सानू बुलाने वाले गुरप्रीत गोगा जी तो सारी टीम ने एक वधिया उपराला किया एक वधिया फिल्म बनाई है तो इसलिए असं सारे यही बेनती करते हैं कि साड़ी मेहनत को फल लाया जाए। थैंक यू सो मच सर क्षितिज सर बाकी ही इज़ अ स्टार मेकर ये कोई दुराहे नहीं बरनादर वेरी राइट इन सेइंग दैट एंड यू आर डेबिटिंग विद हिम टाइम इट मैटर्स अ लॉट टू यू एंड इट शुड बी थैंकफुल टू हिम कि बहुत वधिया फिल्म चाह रहे हो तुम भी गुरनाम वर्गे सिंगर के नाल गुरनाम तुसी तुहाडी सिंगिंग का तो लोहा मनिया जाता वीर थोड़े तुसी बॉलीवुड तक भी पहुँच गए मतलब सीरियल्स के भी तुहाडी है मैं थोड़े तो सर क्षितिज सर थोड़े तो पूछना चाहना दो बहुत बेहतरीन कलाकार तुसी लिए हैं रूपी बहुत क्यूट है ईशा भी एंड कॉन्ट्रास्ट कि दिखेगा मतलब यू नो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू डिसाइड कि बहुत सुंदर है दोनों तुसी दोनों ही इकट्ठिया लेनी है स्टार्स और दोनों दो सिंगर भी लेने तगड़े। थैंक यू थोड़ा एक्चुअली फिल्म की डिमांड सी मैंने एक्टर इदा के चाहिए सके एक्चुअली मैं थोड़ा ये दसना चाहूँगा कि जो स्टोरी आइडिया बेसिक स्टोरी स्टोरी आइडिया गुरनाम भाजी का ही सगा इन्होंने दसिया सगा कि जो बी फस्ट बीज जो हों सीड हों इना ही आप डिस्कशन बथेरिया कीतिया किस तरह का होना चाहिए करैक्टर की होगा छे महीने तो साढ़े डिस्कशन ही लंघे ने ज़्यादा ही लंघे होने भाजी भाजी ने बच्चों एक फिल्म भी होर कर ली सी मेन टाइम रूपी जी का मैं फैन हाँ इन्हों की फिल्म हले कि वो वर्क नहीं ज़्यादा की सी पर मैंने इन्हों की परफॉर्मेंस बहुत वधिया लगी सी अमरिंदर गिल भाजी होर मैं इन्होंने उदन ही फोन किया कि बहुत बेस्ट परफॉर्मेंस सी थोड़ी लास्ट वाला हाफ फाइन आर जो मैं इन्ना क वधिया लगे मैं उदन ही कहा मैं जिधर भी एक चैलेंजिंग रोल वाली फिल्म होगी रूपी मैं थोड़े नाल कर ली सर नहीं आशिकी टू देखो जॉनर आप कह सकते हैं पर जो तुम फिल्म देखोगे आशिकी टू नाल साडा कोई सीन नहीं मिलता एक बंदा शराब पींदा कुड़ी के पिछे देवदास भी सीगा पुराने है ना एक कलाकार मूवी आई सी श्री देवी जी की है ना मनोज कुमार साहब का बेटा सी उहदे च हीरो है ना सेम जॉनर उदा का द डोर एक इंग्लिश फिल्म सी रॉक स्टार बट आशिकी दे नाल जॉनर जरूर आप कह सकते कि उस तरह का है भाई सत श्रीकाल जी सारे भाई इधर जी सब तो पहला दिवाली दी बहुत मुबारक और वड्डी खुशी की गल है कि है डायमंड जोड़ी सानू काफ़ी टाइम बाद वेखन मिली जोड़ी एक नंबर है तो भी जिदा ना क्या कि थोड़ा खुद का आइडिया इस फिल्म के लिए है ना तो थोड़ी अस जिंदगी की जर्नी कोई इस फिल्म वेखन मिलेगी नहीं मैं इस करैक्टर नाल मैं बिल्कुल भी नहीं मिलता 1% भी नहीं मिलता बस मैं ए होंगे कि यार कुछ नवा पोर्ट्रे किया जाए स्क्रीन पर कुछ नवा एज अ एक्टर एज अ क्रिएटर मैं करना चाहता सी सो सारे ने धीरज भाजी ने बाद आइडिया डिवेलप किया दीपक भाजी दीपक थापर उन्होंने सो सारे ने मेरा एक आइडिया सीगा बाकी सारे ने बहुत मेहनत की मैं स्टोरी का क्रेडिट नहीं लेना चाहूँगा बट हाँ मैं वो करैक्टरली मतलब ये सारा टीम वर्क सीगा असी काफ़ी चिर की इदा होना चाहिए इदा होना चाहिए गुरनाम जी ने कई बार इदा होंगे असं किसी भी आर्टिस्ट की जिंदगी बहुत सौखा लै लें है ना ईजीली लै लेना क्योंकि जिंदगी बहुत सौखी होगी जिदा ट्रेलर सूखा क्योंकि
कि वाकई ऐसा होता जा स्ट्रगल ज्यादा होता उस लाइन दे विच। हाँ जी ये चीज तो मैं फील करता कि जिवें जिवें बंदा टॉप ते जांदा उवें उवें वो कल्ला होता जांदा उहदी लाइफ च लोनलीनेस आउंदी जांदी है जिहड़ी कि सानू परदे दे पिछे दी जिंदगी नहीं दसदी आर्टिस्टां दी शायद ये फिल्म कुछ उदां दा दिखाएगी। सारे नूं पहले तो बहुत बहुत मुबारक परिंदा पार गया ले ते दिवाली दी भी बहुत बहुत मुबारक। गुरनाम साहब मेरा क्वेश्चन ये है कि परिंदा पार गया टाइटल ही बड़ा प्यारा है ते परिंदा पार क्यों गया ये टाइटल क्यों रखा गया? क्यों तो जी 24 नवंबर नूं ही पता लगे क्योंकि एक्साइटिंग है ना टाइटल कि परिंदा पार क्यों गया की कहानी है थोड़ा जा टाइटल असी पहला टाइटल दा रखा सी सुपरस्टार ते सुपरस्टार टाइटल दे नाल ही फिल्म अनाउंस हुई सी पर सानू ऐ लग्या कि पंजाब दे लई शायद वो शब्द इन्ना नॉमिनल नहीं गा नॉर्मल नहीं गा ते परिंदा पार गया इहदे च गाणा असी बनाया सीगा वो गाणा सारिआं नूं बहुत पसंद सीगा खारा भाजी ने लिखिआ गाणा वो ते फिर सानू लग्या कि गाणे दे इर्द गिर्द और ये टाइटल दे नाल स्टोरी भी मैच करदी है कितना कितें सारिआं चीज़ां मिल गईआं। रूपी नूं बहुत पसंद आ वो गाणा फिर रूपी दा फेवरेट आ गाणा तां करके। हाँ जी सारे सत श्रीकाल जी सत श्रीकाल मेरा सवाल रूपी मैं हूँ जी मैं जिदा उदा तुसी बहुत स्वीट जे बहुत काम जे पर्सन है जिन्हें कहीं तुम जानते हैं बट ट्रेलर च सब तो वध जोर जे कोई इंसान ला रहा तो रूपी गिल ही ला रहा ये मतलब टोटल लगता तुहाडी लाइफ तो ओपोजिट करैक्टर का थोड़ा जहा वैसे भी मैंने लगता तुहाडी फिल्म देख के तुहानू बिगड़े मुंडे सुधारन का बहुत शौक है शायद तो मैं भी भुल गया मैं की बोल गया थोड़ा जहा तो डिफरेंट है यस एक्चुअली डिफरेंट है बहुत ज़्यादा मैं इन्ना नहीं बोलती है आई डोंट थिंक सो जब बोलते तो ही सोने बहुत लगते हैं बेसिकली उन्होंने तो डेनल गल करनी सी उन्होंने बंदा नहीं सी मिल रहा कोई अच्छा लो बड़ी नहीं गुरनाम भाई मैं इंटरव्यूज कीते हैं दो तीन पहले भी और तुसी फिल्म करके ऐसी गल भी ना करिए बिल्कुल जरूर करो जी साडी हीरोइन है असी तो चाहते हैं कि तुसी साडी हीरोइन दे दिल दी गल्लां जानो इस फिल्म बारे। थैंक यू ये फिल्म जदों दीपक भाजी ने मैंने सुनाई ना सीधे असी इंग्लैंड सीगे भाजी कहिंदे तुसी इंडिया जाके फिल्म सुनो भाजी प्री प्रोडक्शन कर रहे सी तां दीपक भाजी जिन्होंने बहुत सारा स्क्रीन प्ले इस फिल्म का लिखा वो कहिंदे कि मैं तुहानू फिल्म सुनाउण तो पहला एक गल कहनी है कि एक बार तुसी बॉक्स ऑफिस साइड ते रख के ये फिल्म सुनो कि आपां कुछ आपां हमेशा गल करदे हां कि यार कुछ नवां बनाउणा कुछ नवां बनाउणा ये सच्ची बहुत वक्री फिल्म है जिहड़ी पंजाब च तुसी पहला नहीं देखी होगी तो वाकई मतलब ये असी बॉक्स ऑफिस के दायरे तो हट के सोची ऑफकोर्स हर बंदा बिजनेसली काम करता पर सानू सीगा कि यार मतलब एक बार बार्स जिहड़े बाउंड्रीज आ उह टप के फिल्म बनाई जाए बाकी देखते हैं वह कितना वर्क करती है तो 24 नवंबर दसेगी। गुरनजर मेरा भरा है गल्लां च नहीं सच्ची मुची फिल्म च असी बाद च मिले असी पहला तो बहुत क्लोज हाँ असी इकट्ठे गाने बनाते रहने असी मिलते रहने काम तो ज़्यादा असी वैसे मिलते रहने तो मैनू बहुत खुशी है कि थोनू ए नहीं लगेगा कि गुरनजर पहली बारी एक्टिंग कर रहा है मतलब फिल्म च थोनू एक बार भी ए नहीं लगेगा क्योंकि मैं फिल्म देख ली है तो मैं रूपी नूं भी मैसेज किया और गुरनजर भाई नाल चलो तुसी अज लाइव मतलब इन्हां दोनों का बा कमाल रूपी रूपी जिवें कहिंदे ना कि झखणा दे विच ठंडी हवा का काम करेगी ये फिल्म च जदों जदों रूपी आएगी तो तुहानू सुकून मिलेगा कि अच्छा शुक्र है सो इन दोनों ने बहुत सोहना काम किया। पर उही है ना जी हाँ आपां मतलब नैगेटिव पॉजिटिव तो तुसीं फिल्म देख के डिसाइड करोगे तो दूजी गल कि फिल्म च कुछ भी नैगेटिव एवें का है नहीं कि थोड़ा कुछ नैगेटिव नहीं लगेगा वधिया लगेगा हाँ जी बिल्कुल हर करैक्टर इस फिल्म च इंपॉर्टेंट है जी ए नहीं कह सकते कि नहीं मतलब एक स्टोरी कहानी तो बनती है ना कि एक काउंटर आता तो ही जवाब मिलता है सो ये फिल्म मैं ज़्यादा दसूँगा तो मैं डर है फिल्म ना रिवील हो जाए बट पर थोनू बहुत वधिया लगेगा जी सारे का काम ये मेरा प्रॉमिस है थोड़े
एक्सपैरीमेंटल एक्टर एक्सपैरीमेंटल डायरेक्टर फिर ईजी हो गया करना साढ़े लिए बाकी जिम्मे नैगेटिव गल नहीं कर रहे थे तुम मतलब हालात बन जाते उदा के जस्ट गुरनजर भाजी बारे में भाजी ने क्वेश्चन पूछा सगा काजल फिल्म के राजकुमार साहब का सगा जो थोड़ा किसी पुरानी फिल्मा देखते हो थोड़ी देर लिए आते हैं है ना कुछ करैक्टर जिमें देखा होगा थोड़ा जहा आइडिया बट बहुत इंपैक्ट वाला सगा मैं भाजी को पहली बार नरेशन दिता मैं भाजी बी इस तरह का करैक्टर है क्योंकि ओबियसली डेब्यू हर कोई कुछ डिफरेंट करना जरूर चाहता हूँ इन्हों बहुत पसंद आया रोल कहते भाजी आई विल डू दूजा इन्हों की फिर क्वेश्चन बहुत वधिया सी गुरनाम भाजी नाल ते करन दा भी स्वाद आया रोटी कहते गा भी लें रोटी बहुत सोहना गा लें मैं तो रिसेंटली एक प्रेयर गाई सी वो इसलिए क्योंकि मैं अपना शो स्टार्ट किया है ना तो हूँ वो मेरे दिल के इन्ने क्लोज है कि मेरा जी करता कि मेरी जिंदगी की कोई भी अच्छी मूवमेंट हो मैं हमेशा दो लफ्ज वो गाव तो मैं वो थोड़े सारे ना शेयर करता शुक्र करा मैं हर पल दाता तेरी दित्ती दात दा जिन्नी भी तू बख्शी सानू दाता उस औकात दा शुक्र करा हर चढ़दे दिन दा हर एक ढलदी रात दा शुक्र करा मैं हर पल दाता तेरी दित्ती दात दा बस मैं तो हर वेरी मैनू यही हों कि रब मैं सवेरे उठ्या मेरा कल बहुत चंगा सिमराज बहुत चंगा मैं अज इत्थे तक आया सब कुछ उन्हें करके है थैंक यू बहुत जिथे भी जाना बस वाहगुरु लेके जाएंगे कैद रहन दी आदत नहीं सी ओनू उमरां दे नहीं फैज रहन दी आदत नहीं सी ओनू ऐसा इश्क दे हथे चढ़िया जिंदगी इश्क तो वार गया रिंदा पार गया थैंक यू ऑल राइट सो थैंक यू सो मच जी